वहीं भारतीय किसान यूनियन चरूनी के प्रदेश अध्यक्ष गुरसेवक सिंह महार ने किसानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सितारगंज चीनी मिल में अनियमितताएं देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस वक्त किसानों की गन्ने तुलाई में 4 से 5% तक कटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का वेतन भी मिल प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते पहले मेरे पहुंचने के बाद ही कुछ कर्मचारियों को वेतन दिया गया था। गन्ने का शीरा लगातार पीछे नहर में बहाया जा रहा है, जिस वजह से नहर की मछलियां भी मर गई हैं। तो वहीं जल्द ही इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो किसान नेता चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारी चीनी मिल सरकारी तौर पे बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी यहाँ पर। जब से ये हमारे यहाँ पे जो बाहरी लोग थे दिल्ली वाले, इनकी नज़र पड़ी इस चीनी मिल पर, 4.5 साल तो उस चीनी मिल को बंद किया। चालू हालत की चीनी मिल थी, उसको बंद कर दिया। उसके बाद में आनन फानन में करोड़ों रुपए का बजट आया, जो ये सभी लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि थे यहाँ के, ये और जो साथ में मिल के कर्मचारी, इन्होंने उसको खाया। रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया। अब जब आनन फानन में चीनी मिल चली तो आज जो इसका शीरा, जो गन्ने का शीरा निकल रहा है, वो तमाम नहर में बह रहा है। जो चीनी बन रही है बहुत ही गंदे तरीके से, वहां पर कई वीडियो आई हैं, आपके पास भी होंगी, मेरे पास भी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।